सरकार महिलाओं को सम्मान दिलाने व उनको रोजगार देने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है। वहीं नारल ब्लॉक में यूपी सरकार की योजना फेल होती नजर आ रही है। महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि लगभग 2 साल से पेंशन के लिए भटक रही हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा हमें गुमराह किया जा रहा है। महिला ने क्षेत्रीय लेखपाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि लेखपाल ने हमसे 1000 रुपए भी ले लिए और हमारा कोई काम भी नहीं करवाया और हम विभाग के चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी विभागीय अधिकारी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। इससे जाहिर होता है कि यूपी सरकार की योजनाएं संबंधित अधिकारियों की लापरवाही से फेल होती नजर आ रही हैं। संतोष है जी। अच्छा, तो आज आप नागल ब्लॉक में आए हैं, तो किस काम से आए हैं आप? जी, परिवार नकल से। अच्छा, तो आपको परिवार नकल नहीं दी जा रही है? साइन नहीं हो रहे, इस पर मोहर नहीं लग रही। कल भी आई, आज भी आई। अच्छा, और कच्चा मकान मेरा गिराई पड़ा, विधवा आवास है, मेरी तो पहले से नहीं बनी ना, 30,000 रुपए मुझे मिले, वो भी पटवारी ने 1000 रुपए खा लिए मेरे। अच्छा, पटवारी का नाम? वो है क्या, गोविंद गुप्ता। अच्छा, बड़ेडी गए, उन्होंने आपसे 1000 रुपए लिए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप प्रतिदिन चक्कर काट रहे हो यहाँ पर रोज? हाँ। किराए से आते हो, कैसे आते हो? ऐसे ही, हमें पैदल ही, बड़ेडी से आ रही मैं। अच्छा जी। हाँ, ये बात है। मकान मैंने 1000 दे ली, एप्लीकेशन बनता नहीं, देवर का मकान में रहूँ, कच्चा घर है बिल्कुल, एक ईंट नहीं, वो सारी गिरी पड़ी मकान में, बताओ कैसे रह लूँ मैं बच्चे को लेकर, दो आप आ जाए। चक्कर काटते काटते कितना समय होगा जी? मुझे बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। अच्छा, तो जो पेंशन के जो फार्म थे आपने ऑनलाइन कराए नहीं कराए? कराए थे। अच्छा, फिर भी आपको पेंशन नहीं मिली? ना, थाने के पास करवाए थे रुपेश के यहाँ। अच्छा, उनकी स्लिप आपके पास? हाँ। अच्छा, और आपका मकान? कच्चा। अरे, कच्चा है, देवर का मकान में रहूँ मैं तो। अच्छा, आपका खुद का मकान भी नहीं है? ना, शौचालय बना सरकारी आपका? ना, सरकारी शौचालय भाई माइक से लगा? नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं बना। अच्छा, तो प्रधान से संपर्क करा आपने? हाँ, पहले राजवीर था, उसे भी बहुत कहा, अब दूसरा बन गया, करा अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं आया, ये करा। जांच के लिए ब्लॉक से कोई अधिकारी गया आपके पास? गया मैं, उसमें देवर का मैं रहती हूँ, उसकी फोटो खींच के लाते हैं। अच्छा अच्छा, आपके पास मकान नहीं है? कच्चा है, गिरा पड़ा। ललिता है जी। अच्छा, किस गांव से आए आप? मनोहरपुर से आई हूँ जी। अच्छा, तो आज ब्लॉक में किस लिए पहुँचे आप? जी, ब्लॉक में इसलिए आई जी, मेरी लड़की का फार्म 2 साल से रुका हुआ है, कोई प्रक्रिया नहीं हो रही। किस चीज़ का फार्म आपका? सुमंगला योजना फार्म। तो आपने ऑनलाइन नहीं करा था? ऑनलाइन करा था जी, उन्होंने कहा ब्लॉक से जाओ, ब्लॉक वाले बताएंगे। कोई पैसे पूसे मांगे किसी ने आपसे? ना, डिमांड तो कोई की नहीं जी, मैं तो काफ़ी बरा ली जी। हाँ, कहीं बरा ली जी। तो कोई सुनने आपसे? ना जी, बाबा कल भी आई थी, कल से फिर आ जाई, अब देखो क्या होगा। अच्छा, तो सेक्रेटरी से बातचीत हुई आपकी? सेक्रेटरी से तो मिली, उन्होंने तो साइन सोन कर दिए थे, अब ये कह रहे कि वहाँ चेक कराओ जाकर कंप्यूटर पर, कहीं सुनवाई नहीं आई जी, बहुत धक्के खाए, कोई वो नहीं आया, ये देखा है कि धक्के ही धक्के मिला, पैसे वो तो सुना है, वरना कोई नहीं बिना उसके सुनते। योगी जी ने योजना चला रखी, उसका लाभ मिल नहीं पा रहा आपको? जी, हमें नहीं मिल पा रहा कुछ भी, जो ये शायद लाभ नहीं मिल रहा होगा, आप हम इतना किसी को जानते नहीं, मजदूरी करने वाले अपने बच्चे पाल रहे, बताओ ना, हमें किसी का सपोर्ट है सर, सास ससुर का भी सपोर्ट नहीं है,